मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। फंडामेंटल राइट से अगर हम भूख हड़ताल करते हैं, हमारे से छोटी छोटी गाड़ियों से उठा करके शहर में फिर कचरा करना और बीमारी फैलाना, गंदगी से खतरा है शहर को कि हमारे धरने से। अभिषेक एंटरप्राइजेस पे भी और प्राइवेट जिसकी जगह है जो कचरा डाल करके शहर में गंदगी और बीमारी फैलाने की परमिशन दे रहा है उस पे भी। बंद करो अभिषेक कंपनी को, बंद करो। रोड पे डालने का, कचरा डालने का, रोड पर डंपिंग बनाने का परमिशन है क्या इनके पास? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास और आपको बता दें मित्तल ग्राउंड के पास जो रोड के किनारे कचरा यहां पर लाकर डंप किया जाता था, उसके बाद यहां से कचरा फिर उठाया जाता था, लेकिन काफ़ी विरोध होने के बाद MIM पार्टी के लोग इसके खिलाफ काफ़ी विरोध किए और आज वो लोग जो है यहाँ उपोषण पर भी बैठे हुए हैं, जिसके बाद आखिरकार यहाँ रोड के किनारे जो कचरा डंप किया जाता था उसे आज यहाँ से हटाया गया है। और जो ये मित्तल ग्राउंड आप पीछे देखेंगे, इसके पीछे जो है वो कचरा डाला जा रहा है, लेकिन उस पर भी यहाँ विवाद हो रहा है। साफ कहना है जो इस पे एतराज़ जता रहे हैं कि कचरा मुंब्रा शहर से उठाया जाए और सीधा डंपिंग ग्राउंड लेकर जाया जाए, यानी कि रोड के किनारे से हटाया गया और उसके बाद जो मित्तल ग्राउंड में वहाँ पर ले जाके कचरा रखा जा रहा है, वहाँ से उठाकर डंपिंग में ले जाया जा रहा है, इसके भी खिलाफ लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई आपको नज़र आएगी, दवा का छिड़काव किया गया है। हालांकि देखेंगे कि जो यहाँ पर भंगार गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो अभी भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसका जो है सुबह से ही इसे भी हटाने की जो MIM पार्टी के तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि इसे भी हटाया जाए। आपको बता दें ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है कचरों का अंबार लगा रहता था, लेकिन आज यहाँ पर साफ सफाई है, क्योंकि यहाँ पर MIM पार्टी के जो है सैफ पठान और जावेद सिद्दीकी और ऐसे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो विरोध जो है उपोषण पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भले ही कचरा ना डाला जा रहा हो, लेकिन अब दिखाएंगे कि जो लोग हैं लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि आखिर कचरा उनके ही शहर में और उन रास्तों पर वो कचरा आप डालकर कहीं भी फेंक कर वो जा रहे हैं। ये देखेंगे आपकी जे यहाँ पर भी आज सुबह से जब से यहाँ साफ सफाई हुई है उसके बाद से लोग अब यहाँ पर कचरा डालकर यहाँ से जा रहे हैं। जो भी आ रहा है व्यक्ति वो कचरा यहाँ रोड के किनारे डालकर यहाँ से चला जा रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पर सफाई कराई गई है कि यहाँ पर कचरा जो है जो रखा जाता, जो इसके कॉन्ट्रेक्टर है जो कचरा शहर से उठा के लाते थे और फिर रोड के किनारे रखते थे, उसका विरोध होने के बाद हटाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि वो भी कहीं भी कचरा रोड के किनारे ना फेंके, वहाँ साफ किया गया। और दूसरी जगह देखेंगे कि लोग यहाँ पर अब कचरा डालकर जा रहे हैं। बहरहाल हम बात करेंगे जो यहाँ पर सैफ पठान और जावेद सिद्दीकी और MIM पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो विरोध जता रहे थे और आज कुपोषण पर भी बैठे हैं। हालांकि मनपा के तरफ से उन्हें लेटर दिया गया कि उनकी जो मांग है वो पूरी की जा रही है। रोड के किनारे से जो है कचरा हटाकर जो है वो मित्तल ग्राउंड में दूसरे जगह जो है वो डंप किया जा रहा है, वहाँ से कचरा फिर उठाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि ये कोई पहला जगह नहीं है कि जहाँ मित्तल के रोड के किनारे यहाँ पर कचरा शहर का कचरा उठाकर लाकर यहाँ डाला जाता था, यहाँ से उठाकर फिर डंपिंग में ले जाया जाता था। इसी तरह से आपको तनवर नगर और वाई जंक्शन के पास भी मिलेगा, यहाँ भी दो जगहों पर जो है इसी तरह से कचरा वहाँ पर लाकर इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर उठाकर लेकर जाया जाता है। और इसके खिलाफ सिर्फ जो अपोजिट पार्टियां हैं वो ही नहीं, शहर के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए कि आखिर जो कचरा गलियों से उठाया जाता है वो मुख्य सड़क यानी मेन रास्ते पर क्यों लाकर रखा जा रहा है, क्यों नहीं सीधा उस कचरे को
डंपिंग ग्राउंड में लेकर जाया जाता है। और इसी सब मुद्दे को लेकर जो है MIM पार्टी के तमाम लोग जो है वो उपोषण पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे उन लोगों से बात करने की यहाँ पर जो है कोशिश भी करेंगे। MIM पार्टी के यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ उपोषण पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि रोड के किनारे जो कचरा यहाँ पर डाला जाता था वो ना डाला जाए, बहरा हटाया गया है। क्या कहेंगे सैफ पठान, आप लोग जिस तरह से मांग कर रहे थे यहाँ से कचरा हटा भी लिया गया है, लेकिन जो इसके पीछे ही एरिया है मित्तल ग्राउंड का वहाँ पर कचरा डाला जा रहा है। देखिए कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे बोलने पे यहाँ से कचरा हटा दिया गया, हमारी डिमांड ये थी कि शहर में कहीं पे भी कचरा ना डाला जाए। कचरा अगर एक बार शहर से आप गलियों से उठाते हो तो उसको सीधा डंपिंग ग्राउंड पे लेके जाया जाए, शहर में कहीं पे भी उसको ट्रांसफ़र स्टेशन है वो नहीं बनाया जाए बीचों बीच। तो हमारी मांगनी वो है और अभी भी वही है, कचरा यहाँ से उठा करके अगर वो हमको ये बताते कि प्राइवेट जगह है हम वहाँ डालेंगे, तो हमारी जो पहले मांगनी अभिषेक कंस्ट्रक्शन अभिषेक एंटरप्राइजेस के खिलाफ थी वही मांगनी अभी भी हमारी चालू है कि अभिषेक एंटरप्राइजेस अगर शहर में भी कोई प्राइवेट जगह पे कचरा करेगा तो दोनों पे FIR लो, अभिषेक एंटरप्राइजेस पे भी और प्राइवेट जिसकी जगह है जो कचरा डाल करके शहर में गंदगी और बीमारी फैलाने की परमिशन दे रहा है उस पे भी दोनों पे FIR हो। ये हमारी मांगनी, हम 6-8 जन इसके खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। आठ लोग कौन कौन है नाम बताइए। देखिए मैं हूँ, हमारे जिन्होंने ये जावेद सिद्दीकी भाई ने पूरा है आपको पता है स्टार्ट टू एंड करा, वो है हमारे लिसान अंसारी भाई है, शोएब डोंगरे भाई है, नासिर भाई है, अली भाई है, मुशीर भाई है, हमारे हम लोग टोटल 8 लोग हैं इसके खिलाफ। इसके मित्तल ग्राउंड के अलावा जो मित्तल ग्राउंड का एरिया था यहाँ पर रोड के किनारे कचरा रखा जाता था, इसके अलावा भी जैसे तनवर नगर का एरिया है और वाई जंक्शन के पास है, तो उसके खिलाफ आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। हमारी आवाज़ पूरे शहर के लिए, अभी फिलहाल हम लोग जहाँ पर बैठे हम लोग वहाँ से तो पूरा आपने देखा होगा यहाँ एक एक माले दो दो माले जितने लोग डंपिंग करना शुरू कर दिए थे, यहाँ से इंशाल्लाह ताला ये अभी ये रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला हम वहाँ से भी उठवाएंगे। हम तो पूरे शहर के लिए, हम तो बोल रहे प्राइवेट जगह पे जो दादा हम बोल रहे, देखिए हम तो यानी जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है दीवा में उसके लिए खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे। आज उससे हो रहा क्या शहर में, आप आंकड़े पता करिए, शहर में 6% TB बढ़ गई है, वो जो डंपिंग वहाँ जलाई जाती है उसके लिए तो हम तो कचरे विभाग के खिलाफ ही ना। अगर आपने प्राइवेट किसी को टेंडर दिया है, टेंडर लेते वक्त उसने आपको अपनी जगह बताई होगी कि मैं कहाँ ट्रांसफर स्टेशन बनाऊंगा, मेरे पास कितनी घंटा गाड़ी है जो सीधा कचरा उठा के शहर के बाहर जाएगी, अभी छोटी छोटी गाड़ियों से उठा करके शहर में फिर कचरा करना और बीमारी फैलाना, ये कहाँ का न्याय है। अभी भी जो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो नहीं लेकर जा रहे हैं, सब भंगार गाड़ियाँ वहाँ पर हैं, इसीलिए तो हम भूख हड़ताल पर बैठे। जब तक ये पूरा साफ नहीं होगा, पूरी चीज सुबह में आपसे बोला गया था अभी आधे घंटे में हटा लेंगे, अभी दोपहर के 1 बजने वाले का हटा रहे सर, यही तो बात है ना, यहाँ से बोला जाता हमको, कल भी आश्वासन का लेटर दिया ना उन्होंने, हमने कहाँ माने, हम उनका बोलना कहाँ सुने, हमको कल लेटर दिया, हमको लेटर कल दे दिया उन्होंने, हमने कचरा हटा दिया यहाँ से, अब आप लोग मत बैठो, हम बोले हमको आप पे भरोसा नहीं है, आपने इससे पहले भी हमको 4 बार लेटर दिया है, हमको पूरा कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए, हम यहाँ से पूरा कचरा साफ होना चाहिए, यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ जरा भी यानी खेल नहीं होना चाहिए, वो रुकना चाहिए, हम उसके लिए बैठे हैं। जावेद भाई क्या मान रहे हैं आप कि मुंब्रा की जनता के साथ जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, जो हमारे सदर अभी उन्होंने इस संबंध में जो बातें कही है उसके ऊपर हमारे सभी टीम यहाँ पे आज भूख हड़ताल में बैठी है। हमारा कहना ये है कि 270 के धारा एक्ट के अंदर किसी शहर में कचरा गंदगी फैलाने का किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए मुसलसल हमने 3 साल से कोरोना की महामारी से चाहे वो तनवर नगर हो चाहे दीगर जगह हो उसके लिए हम लिखित में इनको TMC को बराबर तकरार करते रहे और हमारे सैफ पठान जी के मार्गदर्शन में और इनके कहने के ऊपर हम आवाज़ उठाते रहे और इनसे डिसीजन लेके जो शहर में बड़ी बड़ी लोग डींग मांगते हैं, बड़े बड़े तकलीफें लोगों का जनता का है उसके ऊपर हम मशवरा करके हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि कायदा के अनुसार आप जो है चाहे यहाँ पे हो चाहे वो बाजू में हो तो वहाँ पे कचरा नहीं डालना चाहिए। हमारी यही मांग है कि ये कचरा जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन है उसका काम है ये कहीं भी लेके जाए, लेकिन हमारे शहर में ये गंदगी का कचरा डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी देख सकते हैं ये जितना भी है खड्डा है उसकी भी हमने मांग की है कि इसको जो है खड्डा भरा जाए, इसके ऊपर डामरीकरण होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे जाते हैं और बस स्टॉप यहाँ पे हमारी मांग है कि चालू होना चाहिए। मुमरा शहर में जो बस बीच रास्ते में खड़ी करके ट्रैफिक पैदा हो रही है तो यहाँ से जो है
बस यहाँ से जाना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है प्रशासन से, TMC से, यहाँ की आवाम से कि हमारे शहर में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसे हमें ख़त्म करना है, सभी को मिलकर लड़ाई लड़ना है। जब ही हमारा शहर जो है हेलो परमिशन नहीं मिलेगी, आपको भाई उठना पड़ेगा यहाँ से, हम उठाएंगे, फोर्स बुला रहे हम लोग को उठाने के लिए, ये कैसा इंसाफ है? ये हमको यानी गंदगी से खतरा है शहर को कि हमारे धरने से करेंगे, उनको परमिशन नहीं लगता है और हम कुछ करने का तो हमको परमिशन, जबकि हम लोग लेटर दे के बैठे हुए, ये क्या बात है, ये कौन सा चल रहा है मुमरा मेरा? नहीं नहीं बुला दो उनको फोर्स, आपने लेटर दिया था? तब दिया हमने, इंटीमेट कर दिया है। और धरना देना देखो मेरा फंडामेंटल राइट है, अगर कोई शहर में हमारे लोगों की हमारे यानी यहाँ के आवाम के साथ शहर के साथ कोई वो होगा खिलवाड़, तो मेरा पूरा राइट है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। हाँ ये सबकी परमिशन है, इतने दिन से इन पे FIR नहीं हुई, हमको कल हम लोग ने एक मिनट कैबिन में बैठ के हमारी बात हुई, उन्होंने बोले बिल्कुल मैं कॉपरेट करूंगा मैडम, और तुम लोगों को दो अधिकारी भी दूंगा, मेरे अधिकारी वहाँ पे आएंगे, और फिर बोलते अभी परमिशन नहीं है, ये कौन अभी उठाने की बात चल रही है कि परमिशन नहीं है और हटाया जाएगा। देखो ऐसा है कि जब इससे हमारे जावेद भाई और साहब प्रधान साहब अध्यक्ष हमारे कल पुलिस स्टेशन में गए थे इसके परमिशन की मांग लेने के लिए, तो उन्हें इसकी ज़रूरत परमिशन की नहीं थी। मैं ये बोलता हूँ कि हमने जो धरना दिया ये शहर के लोगों की भलाई के लिए दिया, इसका परमिशन है क्या इनके पास? रोड पे डालने का, कचरा डालने का, रोड को डंपिंग बनाने का परमिशन है क्या इनके पास? TMC ने लिख के दिए क्या आप यहाँ पे कचरा डंपिंग करो या कहीं भी करो, और दूसरे लोग करो उसका क्या है, उनको कैसे परमिशन मिल रहा है? हम कौन सा वो कर रहे हैं? काम करने के लिए परमिशन लगेगा अभी, और इसके अंदर जो हमने ये धरना पे बैठे हैं इससे कोई वायलेशन हो रहा है क्या बताइए? ये तो शहर के लोगों की जरूरत है, आप देख रहे हो TB के पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं, आप देखो ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्या जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी वजह से जो बीमारी फैल रही है उनका जवाबदार कौन होगा, कौन गरीबों का इलाज करेगा, कहाँ से इलाज होगा ये सबका? तो हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर हम यहाँ बैठे पुलिस प्रशासन को जो करना है करे, हम लोग धरने पे बैठेंगे। सर हम लोग फंडामेंटल राइट से अगर हम भूख हड़ताल करते हैं हमारा फंडामेंटल नहीं हो सकता, परमिशन मंडप की लगती, मंडप हटा देते हम जमीन पे बैठ जाते सर, हम मंडप का अगर आपको परमिशन मंडप का लगता तो मंडप हटा देते सर, सर हमारा ये जो ये जो धरना हम लोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आपने बोले ना सर, आपके साथ कल बैठे थे हम लोग, आपने क्या बोले? आपने क्या बोले मेरी तरफ से आपको परमिशन है? महानगर पालिका बोलते पुलिस स्टेशन से लो सर, देखिए सर सर मैं क्या बोला सर, सुनो नहीं 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 नीचे बैठे नीचे बैठे हम लोग नहीं आएंगे आएंगे सर, हम लोग सब आएंगे सर, हम नीचे बैठे सर, नीचे बैठे सर, नीचे बैठे सर, नीचे बैठे सर, बैठो आपका भी फायदा नहीं है, सच्चे मन से बोल रहे लेटर दिया, हमने लेटर दिया थाना महानगर पालिका क्या बोल रही है कि पुलिस स्टेशन जाओ, आप बोल रहे हैं कि महानगर पुलिस के अंदर सवाल ही नहीं, और इसके अंदर जो परमिशन महानगर महानगर पालिका को हमने लेटर बताया, शहर में कोई वायलेंस हो रहा है क्या? वायलेंस हो रहा है क्या सर? सर हमको वायलेंस कर ले, हम शहर में पब्लिक के लिए सर, हम आपको पब्लिक के लिए दूर 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 से इधर आ इधर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें साहब पठान, आप उनको यहाँ से जो है आंदोलन से उठाकर लेकर जा रही है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन्हें हिरासत में पुलिस ने लिया है। दोनों को जान दो भाई,
मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई अशोक कटलक यहां पर पहुंचे थे और जो लोग यहां पर एमआईएम पार्टी के सैफ पठान, जावेद सिद्दीकी और जो अहमद नेता इस तरह के तमाम लोग यहां पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहां पर जो कचरे का विरोध कर रहे थे कि रोड के किनारे हो गया कचरा, उसे ना डाला जाए। जिसके बाद मुंब्रा पुलिस यहां पर पहुंचे और जो लोग यहां पर आंदोलन कर रहे थे उन्हें जो है अब पुलिस हिरासत में लेकर जो है अब मुंब्रा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई है। चाहेगा और आपको बताइए कि रोड के किनारे जो डंप किया जाता था कचरा, वो दरअसल अब कहाँ फेंका जा रहा है, कहाँ डाला जा रहा है, उसके बाद कहाँ से उठाया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मित्तल ग्राउंड से गेट के अंदर से आएंगे आप, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर जो है कचरा लाकर यहाँ पर डाला जा रहा है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग खुद यहाँ भी कचरा डालने का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि रोड से कचरा हटाकर और फिर पीछे की तरफ लाकर डाला जा रहा है और इसकी गंदगी जो है बदबू से जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये कचरा आप देखेंगे यहाँ पर जो डाला जा रहा है, यहाँ पर सोसाइटी है, ये इमारत है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ से जो दिखाएंगे कैमरा मैन से चाहिए दिखाने के लिए कचरा यहाँ पर लाकर डाला जा रहा है। अभी फ़िलहाल 5 से 6 गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं, जो कचरा यहाँ पर डाला जाता था वो उठाकर यहाँ से लेके जा रही है। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ भी कचरा अगर डंप किया जाएगा तो जो स्थानीय लोग हैं, जो इमारतों में रहने वाले लोग हैं, इस तरफ भी लोग रहते हैं और यहाँ भी जो है लोगों का मकान है, इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। कैमरा मैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।